चले इंदौर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, बच्चों से भीख मंगवाने का मामला, बच्चों को कराया जाता है था नशा, चार बच्चों का किया गया रेस्क्यू। मामले में दो बदमाश गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो बता दें, चार बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, यहां पर बड़ी खबर है। मामले में दो बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इंदौर से बड़ी खबर है, बच्चों से भीख मंगवाने का मामला सामने आया है। बच्चों से यहां पर नशा कराया जाता था बच्चों को, चार बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर से एक मामला सामने आया था। इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान चला रही है यहां पर जिला प्रशासन, जिसके बाद यहां लगातार बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो भी सड़क पर भीख मांगते दिख रहे हैं, उन्हें पुलिस यहां पर संज्ञान में ले रही है। पूरे मामले का पर पता कर रही है कि कहां से बच्चों को लाया जाता है, कहां से उनसे भीख मंगवाया जाता है। और कल इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और अब इस मामले में यहां पर बच्चों को दो बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, जहां अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदौर से बड़ी खबर है, बच्चों से भीख मंगवाने का ये पूरा मामला है। तो बता दें, पहले बच्चों को नशा कराया जाता था, उसके बाद उनसे यहां पर भीख मंगवाई जाती थी, चार बच्चों का रेस्क्यू भी किया गया है। मामले में दो बदमाशों की गिरफ्तारी भी की गई है। इंदौर से बड़ी खबर है, इंदौर में लगातार कार्रवाई जारी है भिखारी मुक्त बनाने को लेकर। इंदौर की जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, बच्चों को यहां पर नशा कराया जाता था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी महेश, जिस तरीके से कल एक भीख मांगने वाला मामला यहां पर सामने आया था, और कल दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, और अब इसमें जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये आज चार बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये बंबई बाजार का इलाका है इंदौर का, जहां पे ये बच्चे भिक्षावृत्ति करते थे, सभी नाबालिग बच्चे हैं। जब एनजीओ की टीम और जिला प्रशासन की टीम इन बच्चों के पास पहुंची और इन बच्चों से जानकारी ली कि इनसे माता पिता कहाँ, या ये इनसे भिक्षावृत्ति कौन कराता है, तो फिर उसके बाद पता चला कि इन चारों बच्चों को नशे की लत लगाई गई थी, व्हाइटनर सूंघने की और दूसरे जो दिगर नशे होते हैं उनकी, इनको लत लगाई गई थी। इनके माता पिता साथ नहीं थे, और कुछ बदमाश जो है वो इनसे गिरोह बना के भिक्षावृत्ति करा रहे थे। तो इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, सराफा पुलिस ने इसमें मामला दर्ज करके इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से इंदौर में लगातार भिक्षावृत्ति के खिलाफ काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन और एनजीओ मिलकर इंदौर शहर को भिक्षुक फ्री बनाया जा रहा है। उसी दौरान ये बात भी अब सामने आई है कि किस तरीके से संगठित रूप से गिरोह बच्चों को चुरा के लाते हैं, उन्हें नशे की आदत डालते हैं और उनसे फिर भिक्षावृत्ति करवाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला और एक बड़े मामले को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा है। संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां जल्दी होंगी। जी, क्या लगता है महेश, इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह हो सकता है? निश्चित तौर पर, जिस तरीके से चार बच्चे, उन्हें नशे का आदि बनाया गया और दो लोगों को पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं शहर में और भी कई बच्चे ऐसे सामने आएंगे और जिनके पीछे इस तरह के गिरोह के संगठित गिरोह सामने आ सकता है। क्योंकि किसी बच्चे को लाना, उसे नशे की लगाना, उसके बाद में फिर उनको अलग अलग जगह पे ले जाना, आप एक चीज कभी गौर कीजिएगा कि ये कितना संगठित तरीके से काम होता है। जब क्रिसमस आता है तो चौराहे पे जो बच्चे, जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं, उनके पास में क्रिसमस के सामान होते हैं, वैलेंटाइन डे पे होते हैं, तो एक संगठित गिरोह की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि बड़ा रैकेट जो है वो सामने आ सकता है। जी जी, बिल्कुल महेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।